सो हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू द वीडियो। आज हम कवर करने वाले हैं जुलाई 2021 के 70 मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज रिलेटेड टू करंट अफेयर्स एंड जीके। तो जुलाई के जितने भी मतलब जो मुझे सबसे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स और इवेंट्स लगे उसके कुछ इसमें लाए हुए यहाँ पे आपके लिए। तो ये शुरू करते हैं। जून वाला तो हम कंप्लीट कर ही चुके हैं, वीडियो रिलीज हो चुका है, चैनल पर देख लीजिएगा। जुलाई वाला ये हो गया। अगस्त का तो अगस्त एंड होते ही मैं इमीडिएटली ले आऊँगा वीडियो, उसमें कोई डिले नहीं होगा। सो अब हमारा बैकलॉग खत्म हो चुका है, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं जुलाई के 70 बहुत इंपॉर्टेंट सवाल। इंट्रोडक्शन है, पढ़ लीजिएगा। आइए पहला सवाल देखते हैं। एसबीआई फाउंडेशन डे कब सेलिब्रेट होता है? एंड द आंसर इज 1 जुलाई। एक्चुअली जो पहले इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया थी उसे स्टेट बैंक बनाया गया था 1 जुलाई 1955 को। तो 1 जुलाई को एसबीआई फाउंडेशन डे, जिसको बैंक डे भी बोलते हैं, सेलिब्रेट करा जाता है। क्लियर है बात? और हाँ, बस इसमें आई थिंक डेट ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगी, ज़्यादा डिटेल में आने की जरूरत नहीं है आपको। क्वेश्चन नंबर 2, NDMA नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी के चेयरपर्सन कौन होते हैं, आपको बताना है। एंड द आंसर इज प्राइम मिनिस्टर। प्राइम मिनिस्टर इज द एक्स ऑफिशियो चेयरपर्सन ऑफ NDMA। जैसे अभी नरेंद्र मोदी जी हैं तो ऑटोमेटिकली NDMA के भी चेयरपर्सन बन जाते हैं। फॉलो मी सर्विस इज एसोसिएटेड विद, जो फॉलो मी टर्म है इसे कहाँ सुना है आपने? एंड द आंसर इज एविएशन फील्ड में। एक्चुअली जब भी कभी लो विजिबिलिटी होती है तो प्लेन्स वगैरह जब लैंड करते हैं तो जहां पे लैंड किया वहां से जो पार्किंग एरिया में आप जानते हैं कुछ मतलब देर आर पीपल जो ऑफिशियल सिग्नल्स दिखाते हैं, पर उस एरिया तक पहुंचने के लिए, रनवे से वहां तक पहुंचने के लिए अगर विजिबिलिटी बहुत कम है तो फिर एक व्हीकल जाती है जिसको प्लेन फॉलो करता है, ठीक है। तो इसमें जो DGC है, डायरेक्टर जनरल ऑफ सिविल एविएशन, उन्होंने बोला है कि कभी भी विजिबिलिटी कम दिखती है तो पायलट्स शुड यूज फॉलो मी सर्विस। मतलब दे शुड नॉट शाय अवे कि हमें सर्विस यूज नहीं करनी, अगर जरूरत लगे तो उन्हें यूज करना चाहिए, ठीक है। कभी भी मेनली लो विजिबिलिटी में इसको इस्तेमाल करते हैं। तो DGCA ने ऐसे इंस्ट्रक्ट किया पायलट्स को कि जब भी जरूरत हो यूज दिस फॉर द सेफ्टी ऑफ एवरी वन, ठीक है। तो एविएशन से जुड़ी हुई ये कॉन्सेप्ट है। आगे चलते हैं। स्टैंड अप इंडिया स्कीम की बात यहाँ पे हो रही है, इसके बेनिफिशियरी कौन है, मतलब ये स्कीम किसके लिए बनाई गई है? इसका आंसर है ऑल ऑफ दीज। बेसिकली स्टैंड अप इंडिया स्कीम जो है आत्मनिर्भर भारत के अंडर ही आती है, उसी का एक पार्ट है। किसके लिए होती है? शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब और वुमेन एंटरप्रेन्योर्स के लिए। इनके जो भी स्टार्टअप या जो भी फर्म वगैरह बनाते हैं उसे इंकरेज करने के लिए जो वहाँ पे फंडिंग होती है उसके लिए बनी है स्टैंड अप इंडिया स्कीम, SC ST और वुमेन एंटरप्रेन्योर्स, ठीक है। ये आपको बहुत प्रिसाइजली और क्लैरिटी से पता होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 5, UDISE प्लस रिपोर्ट किससे जुड़ी हुई है? आंसर इसका एजुकेशन है, फुल फॉर्म देख लीजिए, यूनिफाइड डिस्ट्रिक्ट इंफॉर्मेशन सिस्टम फॉर एजुकेशन, और प्लस तो पता ही है आपको, यूनिफाइड डिस्ट्रिक्ट इंफॉर्मेशन सिस्टम फॉर एजुकेशन, और एक प्लस बाद में आएगा। देखिए बेसिकली इस रिपोर्ट के अंडर इंडिया के 1,500,000 के आसपास स्कूल्स को स्टडी करा गया, और जो रिपोर्ट आई है वो पता है 2019 और 20 के लिए आई है। मतलब बेसिकली वो फिस्कल या वो जो साल है हमारा जो वहाँ पे ख़त्म हो रहा है जहाँ पे लॉकडाउन वगैरह शुरू हुआ था, स्कूल वगैरह जो बंद हो गए थे, उसकी यहाँ पे बात हो रही है। तो यहाँ पे इस रिपोर्ट के काफ़ी इंटरेस्टिंग आउटकम्स हैं, बहुत सारे आउटकम है। कुछ अगर मैं बताना चाहूँ आपको कि इस रिपोर्ट के हिसाब से इस टाइम पे जिस की बात हो रही है उस टाइम पे अराउंड 22% स्कूल्स ही इंडिया में ऐसे थे जहाँ पे इंटरनेट फैसिलिटी, अगर गवर्नमेंट स्कूल की बात करें तो सिर्फ 12% ऐसे हैं जहाँ पे इंटरनेट फैसिलिटी थी, और गवर्नमेंट स्कूल में ही 30% ही ऐसे थे, less than 30% एक्चुअली, जहाँ पे फंक्शनल कंप्यूटर फैसिलिटी। तो 22% टोटल के स्कूल ऐसे थे जहाँ पे इंटरनेट है, गवर्नमेंट में less than 12% के पास इंटरनेट था और less than 30% के पास गवर्नमेंट में फंक्शनल कंप्यूटर फैसिलिटी। तो बेसिकली इसका मतलब ये है कि अब हम घर से स्कूल चल रहे, इंटरनेट का यूज़ करना पड़ रहा है, तो उस डिजिटल फेज में जाने के लिए जो शॉर्टकमिंग हमारे एजुकेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर में है उसको इंडिकेट करते हुए काफ़ी इंपॉर्टेंट रिपोर्ट थी, जिसको आप ऑफिशियली कोट भी कर सकते हैं अपने आंसर्स में या इंटरव्यूज में। चले आगे चलते हैं, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज हैव इशूड अ मोरेटोरियम ऑन, मोरेटोरियम मतलब एक तरह का बैन या रिस्ट्रिक्शन, ठीक है, ऑन डेथ पेनल्टी एट फेडरल लेवल। ये काम किया है USA ने, वहाँ पे फेडरल लेवल जो डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस होता है उन्होंने डिसीजन सुनाया है, एंड कि किसी भी तरह के जो कैपिटल पनिशमेंट या डेथ पेनल्टी उन्हें कैंसिल करना है, वहाँ पे भी एक ह्यूमैनिटेरियन ट्रीटमेंट होना चाहिए जो भी कैदी वगैरह उनके साथ। दे विल ऑल्सो इंसेंटिवाइज द स्टेट्स, अभी तो फेडरल ऑर्डर है ये,
स्टेट्स को भी वो लोग इंकरेज करेंगे वो भी इस तरह के डिसीजन लें यहाँ पे। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, टोक्यो में जो पैरालंपिक होंगे उनमें इंडियन टीम के फ्लैग बीरर कौन होंगे? ठीक है, तो टोक्यो पैरालंपिक गेम्स की यहाँ पे बात हो रही है एंड द आंसर इज टी मरियप्पन। जो मेन हाई जंप कैटेगरी है वहां पे मरियप्पन जी खेलते हैं, फोटो आप यहाँ पे देख सकते हैं, ये होंगे इंडियन टीम के फ्लैग बीरर। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। उत्तराखंड में काफी लीडरशिप चेंजेस हो रहे हैं आप जानते हैं, तो नया सीएम किसको बनाया गया है एंड द आंसर इज पुष्कर धामी। फोटो देख लीजिए, तो पहले आपको याद होगा पहले त्रिवेंद्र सिंह रावत जी थे, फिर तीरथ सिंह रावत जी थे, टीएस रावत, और अभी है पुष्कर धामी। एक्चुअली क्या होता है ना, जब टीएस रावत को बनाया गया था तो उसमें रूल ये होता है ना कि विद इन 6 मंथ्स आपको वहां की असेंबली के लिए इलेक्ट होना पड़ता है, पर कोई ऐसा इलेक्शन डिक्लेयर ही नहीं हुआ क्योंकि इलेक्शन कमिश्नर ने भी चक्कर ये था कि भाई पूरे कोविड नॉर्म्स और सिचुएशन को देख के इलेक्शन अनाउंस करने पड़ते हैं, बायपोल वगैरह जो भी होते हैं, पर वो अनाउंस ही नहीं हुए किसी भी तरह के इलेक्शन कमीशन के द्वारा। तो इस कारण से वो 6 महीने के अंदर तीरथ सिंह रावत जी एमएलए बन ही नहीं पाए और इस कारण से वो सीएम कंटिन्यू नहीं कर पाते, तो अब बने हैं पुष्कर धामी। ठीक है, तो यहाँ पे थोड़ा पॉलिटिक एंगल भी जुड़ता है। कोई भी इंसान 6 महीने तक, जैसे अगर मुझे आज कोई प्राइम मिनिस्टर बना दे, बन सकता हूँ, पर विद इन 6 मंथ्स मुझे एमपी बनना पड़ेगा। क्लियर है बात, या तो लोकसभा या राज्यसभा। उसी तरह से स्टेट का सीएम भी बना सकते हैं, पर विद इन 6 मंथ्स मुझे एमएलए बनना पड़ेगा या लेजिस्लेटिव काउंसिल जहां पे होती है वहां पे एमएलसी बनना पड़ेगा। क्लियर है बात, चले तो थोड़ा पॉलिटिक एंगल आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। मेकेदातु प्रोजेक्ट कहां पर है आपको बताना है, आंसर है कर्नाटका। ठीक है, बेसिकली ये एक कावेरी रिवर है मेनली, और कावेरी रिवर की ट्रिब्यूटरी होती है अर्कावती, उनके कॉन्फ्लुएंस पर है, एक गॉर्ज, डीप गॉर्ज की तरह है, वहां पे प्रोजेक्ट बन रहा है। इसके बहुत सारे यूज हैं, अराउंड 9,000 करोड़ रुपीस के आसपास का प्रोजेक्ट है। इसमें एक तो बैंगलोर सिटी को ड्रिंकिंग वाटर फैसिलिटी के लिए प्रोजेक्ट रहेगा, और हाइड्रो इलेक्ट्रिक का भी यहाँ पे इंतजाम है लगभग 400 मेगावाट के आसपास। प्रॉब्लम यहाँ पे ये है कि ये कर्नाटका का प्रोजेक्ट है बट ये तमिलनाडु अपोज कर रहा है, पर कर्नाटका बहुत कन्विंस कर रहा है तमिलनाडु को कि नहीं इस प्रोजेक्ट से आपको कोई भी नुकसान किसी भी तरह से नहीं होगा। तो कर्नाटक के सीएम ने भी लेटर लिखा है तमिलनाडु में, जो सीएम है स्टालिन जी, की भाई कोई प्रॉब्लम आपको नहीं होगी, पर ये थोड़ा टसल चल रहा है। तो इंटर स्टेट वाटर प्रोजेक्ट राइवलरी में ये एक और एग्जाम्पल आप देख सकते हैं। लोकेशन देखना चाहें आप देख सकते हैं यहाँ पे, मैंने इसी की पूरी जो ये मेकेदातु एरिया उसी की बात कर रहा हूँ मैं, यहाँ पे बॉर्डर एरिया में है बिल्कुल, कर्नाटक तमिलनाडु का जो बॉर्डर है ना उसमें कर्नाटक की तरफ है मेकेदातु। ठीक है, सो आई थिंक दिस विल बी एन इम्पॉर्टेंट टॉपिक फॉर द अपकमिंग एग्जामिनेशन। आगे चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री हैज बीन रिसेंटली सर्टिफाइड मलेरिया फ्री बाय द वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन? ये मिला है सर्टिफिकेट चाइना को। लगातार 4 कॉन्जिक्यूटिव ईयर्स तक 0 लोकल केस होने चाहिए तब आप मलेरिया फ्री बताए जाएंगे, और चाइना में ऐसा हुआ। ठीक है, और इसलिए उसको ये सर्टिफिकेट मिला है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, एंड आई थिंक ये तो अच्छा अचीवमेंट है। मतलब 4 साल लगातार कोई भी नो लोकल केस होना, दैट्स द कंडीशन, वो भी पता होना चाहिए आपको। 11th क्वेश्चन, इंडियन आर्मी चीफ मिस्टर नरवणे जो आप जानते हैं, उन्होंने इंडियन आर्मी मेमोरियल को इनॉग्रेट किया है कैसीनो में, ये कौन से कंट्री में आपको बताना है, एंड द आंसर इज इटली। ठीक है, तो इटली में जो कैसीनो जगह है वहां पर ये इनॉग्रेशन करा गया है। मनोज मुकुंद नरवणे जी जो आर्मी के चीफ हमारे वो गए थे। ठीक है, तो आई थिंक कंट्री का नाम इंपॉर्टेंट होगा, फैक्चुअली दिस इज इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। आगे चलते हैं। पंचमुली लेक कौन से स्टेट में? गुजरात आंसर है। आपको याद होगा जो स्टैच्यू ऑफ यूनिटी है सरदार वल्लभ भाई पटेल की 182 मीटर्स की, आप जानते हैं कहाँ पे है? नर्मदा डिस्ट्रिक्ट जो गुजरात में, वहां पे केवड़िया जगह जो है। ठीक है, तो वो जो स्टैच्यू के सामने लेक दिखती है ना आपको, वही पंचमुली लेक है। खबर ये है कि वहां से अब तक अराउंड 194 क्रोकोडाइल्स को शिफ्ट करा जा चुका है, क्योंकि अब वो एज अ मतलब काफी बड़े स्केल पे एक बड़ी टूरिस्ट जगह की तरह डेवलप करा जा रहा है। तो वहां पे बोटिंग वगैरह वो सब भी होता होगा, तो उसके लिए टूरिस्ट के लिए क्रोकोडाइल खतरनाक हो सकते हैं, तो क्रोकोडाइल की शिफ्टिंग वहां पे चल रही है। एनीवेज, तो आपको पता होना चाहिए, इंपॉर्टेंट है। निपुण भारत स्कीम की यहाँ पे बात करनी है, किससे जुड़ी हुई है, एंड द आंसर इज रीडिंग एंड न्यूमरेसी। बेसिकली एजुकेशनल फील्ड की है, फुल फॉर्म देख लीजिए। अच्छा, यहाँ पे लिखी देता हूँ नेशनल, इट्स अ एक्रोनिम, मतलब हर वर्ड का फुल फॉर्म होता है।
नेशनल इनिशिएटिव फॉर प्रोफिशिएंसी इन, अब दो चीजों की प्रोफिशिएंसी की बात होगी, रीडिंग विद अंडरस्टैंडिंग, अंडरस्टैंडिंग एंड न्यूमरेसी, नंबर्स का जो कैलकुलेशन आना चाहिए, न्यूमरेसी। तो समझ गए आप, एक नेशनल इनिशिएटिव है बच्चों में, स्टूडेंट्स में प्रोफिशिएंसी या स्किल डेवलप करने के लिए। कौन सी स्किल या प्रोफिशिएंसी? एक तो रीडिंग विद अंडरस्टैंडिंग, आप पढ़ पाओ और समझ पाओ कि क्या पढ़ रहे हो आप, और न्यूमरेसी मतलब बेसिक कैलकुलेशन कर पाए। बेसिकली निपुण भारत स्कीम का पर्पज ये था, जो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी नई वाली है ना, उसमें भी ये बात कही गई है ये निपुण भारत के बारे में। स्टार्ट होने से 5 साल के अंदर जो क्लास 3 के बच्चे हैं वो बेसिक रीडिंग कर पाए अंडरस्टैंडिंग के साथ और बेसिक कैलकुलेशंस कर पाए, जिसको हम न्यूमरेसी बोल रहे हैं। पहले इसका टारगेट था 2025 तक पूरा होने के लिए, पर अब इसको मतलब इसका टारगेट शिफ्ट करके अब 2026-27 रखा गया है, ठीक है। और इसके लिए कोई अलग से फंडिंग नहीं है, जो समग्र एक स्कीम थी, समग्र शिक्षा स्कीम, उसी से इसकी फंडिंग लाई जाएगी। क्लियर बात? तो क्लास 3 5 साल और ये 2 तरह की स्किल की जरूरत है। बेसिकली आप पर्पस समझ रहे हो ना कि एजुकेशन का आउटकम भी आना चाहिए, कि भाई बच्चे समझे भी बातों को, उनको अप्लाई करता है, ठीक है। चलिए, टिग्रे रीजन कौन सी कंट्री में? एंड द आंसर इज इथियोपिया, ठीक है। लोकेशन पहले बता दूं मैं आपको, ये देखो इथियोपिया और ये एरिट्रिया दोनों के बॉर्डर पर है इथियोपिया की तरफ। यहां पे कुछ रिबेल्स हैं, तो रिबेल्स और सरकार के बीच में यहां पे लड़ाई चल रही है, और यहां के एबी अहमद, इनकी मैं आगे भी बात करूंगा, एबी अहमद ये यहां के प्राइम मिनिस्टर हैं। एबी अहमद को ना इथियोपिया के प्राइम मिनिस्टर, अभी रीइलेक्ट भी हुए, क्वेश्चन आगे आएगा। इनको 2019 में नोबेल पीस प्राइज भी मिला था। अब इन्होंने आर्मी भी भेजी थी टिग्रे रीजन में, टिग्रे रिबेल्स के अगेंस्ट, तो वहां पर एक लड़ाई सी चल रही है, ठीक है, टिग्रे रिबेल्स और इथियोपियन आर्मी के बीच। क्लियर बात? बाकी और डिटेल मानने की जरूरत नहीं, पर इतना आपको कम से कम पता होना चाहिए। चलिए, NHA नेशनल हेल्थ अथॉरिटी के CEO कौन है? एंड द आंसर इज मिस्टर RS शर्मा, राम सेवक शर्मा। फोटो देख लीजिए, यहां पे खबर एक्चुअली ये है, ONDC ये एक इनिशिएटिव है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का, ओपन नेटवर्क फॉर डिजिटल कॉमर्स, ओपन नेटवर्क फॉर डिजिटल कॉमर्स ये सरकार करना चाहती है। अब ये इनिशिएटिव क्या है वो समझ लीजिए। बेसिकली इस इनिशिएटिव के अंदर देखिए एक बात समझिएगा, जब कभी बहुत हाई टेक डिजिटल चीजों के या साइंस और टेक की चीजों के बहुत मुश्किल से एक्सप्लेनेशन होते हैं, आप बस बेसिक समझ लो कि इसका मोटा मोटा मतलब ये होता है, उतना काफी है। क्या मतलब है देख लीजिए, बेसिकली एक ओपन सोर्स बेस्ड ओपन नेटवर्क बनाना है, जिसका इस्तेमाल किसके लिए करा जाएगा, जो हमारा बेसिकली ग्राउंड लेवल पे लॉजिस्टिक सप्लाई चेन को डिजिटाइज करना, उनकी एफिशिएंसी बढ़ाना, उन सब पर्पस के लिए ONDC इनिशिएटिव है। इसका जो एडवाइजरी कमिटी है उसमें 2 लोगों को सरकार ने इंडक्ट किया है और वहीं से बना है सवाल, कौन से 2 लोग? एक तो मिस्टर राम सेवक शर्मा को, जो कि NHA के CEO है, और मिस्टर नंदन नीलेकाणी को, वो कौन है? नॉन एग्जीक्यूटिव चेयरपर्सन ऑफ इंफोसिस, ठीक है। तो खबर का दोनों एंगल आपको पता होना चाहिए, कॉन्सेप्चुअल पार्ट, पॉलिसी पार्ट एंड द पर्सनैलिटी रिलेटेड पार्ट, सारे मैंने बता दिया आपको, ठीक है। तो इस क्लैरिटी से चीजों को पढ़ा करिए, बढ़िया रहेगा। आगे चलते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग बॉलर्स हैज रिसेंटली क्लेम्ड फर्स्ट क्लास 1000th नंबर विक, मतलब फर्स्ट क्लास क्रिकेट जो होता है, जैसे काउंटी इंग्लैंड में होती है, काउंटी क्रिकेट अपने यहाँ रणजी होता है, उसमें 1000 विकेट किसने पूरे करें? एंड द आंसर इज जेम्स एंडरसन। फिलहाल ये लंकाशायर की तरफ से खेलते हैं, लंकाशायर जो टीम है वहां की, इंग्लैंड की, वहां से 1000 विकेट पूरे कर लिए हैं, ये उनकी फोटो। इज अ वेरी, ये तो टॉप क्लास बॉलर है बिल्कुल, आप जानते हैं इनको। ओके, काफी रिसेंटली काफी नए गवर्नर्स का अपॉइंटमेंट हुआ है, तो वहीं सवाल है, हु हैज बीन अपॉइंटेड एज गवर्नर ऑफ कर्नाटका? कर्नाटका में अलॉट अपॉइंट करा गया है थावरचंद गहलोत। बाकी मंगू भाई, छगन भाई पटेल मध्य प्रदेश के गवर्नर बने हैं, ये बने हैं कर्नाटका के, तो आंसर हमारा ये हो जाएगा। राजेंद्र विश्वनाथ अरलेकर जी जो हैं, ये हिमाचल प्रदेश के बने हैं, और बंदारू दत्तात्रेय, ये पहले हिमाचल के थे, अब हरियाणा के बन गए। कुछ अपॉइंटमेंट और भी हुए, पढ़ लीजिएगा, कुछ मैंने आपको बता दिया। चलिए, दिस इज द फोटो ऑफ मिस्टर थावरचंद्र गहलोत, जो कर्नाटका का गवर्नर है, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट असेंबली
स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली हैज़ पास द रेजोल्यूशन टू सेटअप लेजिस्लेटिव काउंसिल विद 2/3 मेजोरिटी। ये काम किया है वेस्ट बंगाल ने। तो वेस्ट बंगाल की जो असेंबली है उन्होंने एक रेजोल्यूशन पास किया कि वेस्ट बंगाल में काउंसिल भी बननी चाहिए, मतलब विधानसभा ने विधान परिषद बनाने के लिए एक रेजोल्यूशन पास किया है। पर यहाँ पे ध्यान रखिएगा, इन्होंने पास कर दिया, इसका मतलब ये नहीं कि काउंसिल बन गई, उसके लिए पार्लियामेंट में चीजें पास होनी चाहिए। और कौन सा आर्टिकल इस पूरे प्रोसीजर को ओवरसी करता है? आर्टिकल 169। तो क्रिएशन ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल इन द स्टेट इज गवर्न्ड बाय आर्टिकल 169 जो पार्लियामेंट करेगा। अब प्रोसेस शुरू हो चुका है, आगे इसको हम लोग फॉलोअप करेंगे। आर्टिकल का नंबर याद रखिएगा। कैबिनेट में भी रीशफल हुआ है, जिस तरह से अपना गवर्नर अपॉइंट हुए हैं। हु हैज बीन अपॉइंटेड एज मिनिस्टर ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर इन द रीसेंट कैबिनेट रीशफल? एंड द आंसर इज मनसुख मंडाविया। पहले इनका फोटो देख लीजिए, मिस्टर मनसुख मंडाविया ये बने हैं हेल्थ मिनिस्टर। बाकी और भी काफी यहाँ पे मिनिस्टर्स बने हैं, फॉर एग्जाम्पल नारायण राणे जी जो है ये एमएसएमई के मिनिस्टर बने हैं, ठीक है, माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस एमएसएमई वाले बने हैं। ज्योतिरादित्य सिंधिया जी बने हैं सिविल एविएशन के मिनिस्टर, सिंधिया जी, ज्योतिरादित्य सिंधिया जी। अश्विनी वैष्णव, इनके बारे में काफी बातें हुई थी, सुना भी होगा आपने, इनकी काफी इंस्पायरिंग स्टोरी है। ये बने हैं इलेक्ट्रॉनिक्स आईटी कम्युनिकेशंस और रेलवे के, काफी इनको डिपार्टमेंट्स पोर्टफोलियोज मिले हैं। तो रेलवे हो गया, कम्युनिकेशंस हो गया और इलेक्ट्रॉनिक्स एंड आईटी, ठीक है, ये इनके पास रहेंगे। आगे चलते हैं। एक बहुत अनफॉर्चुनेट इवेंट हुआ है, किस देश में आपको बताना है? आंसर मैं बताई देता हूं आपको, हाइती। तो गनमैन जो थे, कुछ गनमैन थे, उन्होंने हाइती के प्रेसिडेंट जिनका नाम है जोवेनल मॉइस, उनको असैसिनेट कर दिया, मार दिया और उनकी वाइफ को भी इंजर किया। और वाइफ अभी ठीक है, ठीक है, तो फोटो आप देख लीजिए, ठीक है। तो हाइती बेसिकली एक आप कह सकते हैं कैरिबियन कंट्री जो सेंट्रल अमेरिका में लाया करती है, ठीक है, कैरिबियन कंट्री है, मतलब इसके आसपास वही जमैका, डोमिनिकन रिपब्लिक, वो सब कंट्री, वहाँ पे हाइती भी है। इस देश में पहले से समस्या चल रही थी, हाई इन्फ्लेशन, इकोनॉमी नीचे जा रही थी, काफ़ी अपोजिशन प्रोटेस्ट कर रहा था, अब ये इवेंट भी हो गया तो पूरा क्राइसिस बन गया है। तो वहाँ के प्रेसिडेंट थे जोवेनल मॉइस, जो अब नहीं रहे, ही हैज बीन असैसिनेटेड हाइती, ठीक है। चलिए, केशव चंद्र दत्त किस स्पोर्ट से जुड़े हैं? एंड द आंसर इज हॉकी। अभी हमारे बीच में नहीं रहे, फोटो देख लीजिए आप, 2-time ओलंपिक गोल्ड मेडलिस्ट। और जो 1948 में लंदन ओलंपिक्स हुए थे वहां पे जो हमारी इंडियन हॉकी टीम थी जिसने गोल्ड मेडल जीता था, उसके लास्ट सर्वाइविंग मेंबर थे ये, अब ये भी हमारे बीच नहीं रहे। तो केशव चंद्र दत्त एन इंस्पिरेशनल स्पोर्ट्स पर्सन हॉकी से रिलेटेड, फोटो आप उनकी देख सकते हैं, ठीक है। राजेश गोपीनाथन इज द सीईओ एंड एमडी ऑफ टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज टीसीएस। रिजल्ट्स क्वार्टर भर में आते रहते हैं इन कंपनीज के, तो आपको सीईओ के नाम याद कर सकते हैं। रिजल्ट शायद उतना ना पूछे, पर पर्सनैलिटी वाले क्वेश्चन वहां से बन सकते हैं, ये रहा उनका फोटो, ठीक है। चलिए, कोऑपरेटिव किस लिस्ट में आता है? ध्यान दीजिएगा, अभी जो कैबिनेट रिशफल हुआ है ना, उसमें एक नई मिनिस्ट्री बना दी गई है, मिनिस्ट्री ऑफ कोऑपरेशन, जिसका काफी अपोजिशन भी हो रहा है, उसका रीजन मैं बताऊंगा आपको। तो मिनिस्ट्री ऑफ कोऑपरेशन बनाई गई है जो होम मिनिस्टर अमित शाह के अंडर आएगी, ठीक है। अब कोऑपरेटिव स्टेट लिस्ट में आता है एंड दैट इज द प्रॉब्लम। कई स्टेट बोल रहे हैं कि भाई ऐसे तो फेडरल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर को हैम्पर करा जा रहा है, वाई शुड सेंटर इंटरफियर, ठीक है। अब पूरी कहानी में इतना समझ लो आप, कोऑपरेटिव स्टेट लिस्ट में आता है और जो मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव है वो यूनियन लिस्ट में आते हैं। तो सिर्फ कोऑपरेटिव स्टेट लिस्ट में आता है और मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव यूनियन लिस्ट में आता है, और कॉन्ट्रोवर्सी का रीजन मैंने आपको बता दिया, ठीक है। और मिनिस्ट्री ऑफ ये जो कोऑपरेशन वाले बनेंगे, कौन बनेंगे? अमित शाह, वो भी बता दूंगा। चलिए, मॉडर्न कोच फैक्ट्री कहाँ है? एंड द आंसर इज रायबरेली। एक्चुअली खबर ये आई थी कि मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे ने बोला है कि जो वंदे भारत एक्सप्रेस चलती हैं उनके रैक आप जानते हैं अलग होते हैं, जो वाइट वाले होते हैं जो आईसीएस में बनते हैं, आईसीएस चेन्नई में, अगर किसी कारण से वो रैक अवेलेबल नहीं है तो शताब्दी एक्सप्रेस के रैक्स उसकी जगह पर रन कर पाएंगे। खबर ये थी, उसमें हमें फैक्चुअल सवाल ढूंढना पड़ता है। वो सवाल ये है, कोच फैक्ट्री तीन पता होनी चाहिए आपको, इंटीग्रल कोच फैक्ट्री जो कि है हमारी चेन्नई में, ठीक है, फिर मॉडर्न कोच फैक्ट्री जो कि है रायबरेली में, और आखिरी है रेल कोच फैक्ट्री जो कि है कपूरथला में। ये तीन याद रख लीजिए, बढ़िया रहेगा, इंपॉर्टेंट सवाल बन जाते हैं यहां से, ठीक।
क्लियर होगी बात। तो आईसीएफ चेन्नई या आई बना हुआ है, इंटीग्रल कोच फैक्ट्री आरसीएफ कपूरथला और मॉडर्न कोच फैक्ट्री रायबरेली। चलिए अगला सवाल देखते हैं, नेशनल रिसर्च सेंटर ऑन याक ये कहां लोकेटेड है? एंड द आंसर इज दिरांग। अरुणाचल प्रदेश में जो वेस्ट कमांड डिस्ट्रिक्ट है वहां पे है दिरांग। ठीक है, इस जो सेंटर है एनआरसीवाई, इन्होंने एक बढ़िया काम किया है, जो हाई ऑल्टीट्यूड याक्स होती हैं, यू नो याक जो जानवर होता है ना, क्योंकि क्लाइमेट चेंज हो रहा है तो उनको याक्स को भी अफेक्ट कर रहा है, तो इसलिए इनका इंश्योरेंस करवा दिया गया है। नेशनल इंश्योरेंस कंपनी के साथ कोलैबोरेशन किया है एनआरसीवाई ने और हाई ऑल्टीट्यूड याक्स का इंश्योरेंस करवाया गया है। इंपॉर्टेंट सवाल है, फैक्चुअल पार्ट भी मैंने बता दिया आपको, ठीक है, और ये सेंटर कहाँ पे वो भी इंपॉर्टेंट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन स्पोर्ट्स की फील्ड से, टूर डे फ्रांस जो साइकिलिंग की वो पूरा कॉम्पिटिशन होता है पता होगा आपको, ठीक है, साइकिलिंग कॉम्पिटिशन होता है टूर डे फ्रांस साइकिल रेस 2021 के विनर कौन है? तदेज पुगाकार, बस नाम पता होना चाहिए, बाकी ज्यादा जरूरत नहीं है यहाँ पे, तदेज पुगाकार, फोटो देख सकते हैं। ठीक, चलिए, इंडिया हैज फॉर्मली हैंडेड ओवर होली रेलिक्स ऑफ 17th सेंचुरी क्वीन सेंट कैटेवन टू विच कंट्री? ठीक है, तो 17th सेंचुरी क्वीन सेंट कैटेवन जो है उनके जो होली रेलिक्स है वो किस कंट्री को हैंड ओवर करे गए? एंड द आंसर इज जॉर्जिया। ये रेलिक्स जो हैंड ओवर करे गए हैं, ये जो हमारे मिनिस्टर ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स हैं एस जयशंकर जी, उन्होंने खुद हैंड ओवर करे थे, और एक मतलब कि कल्चरल रिलेशन और डिप्लोमेटिकली भी ये काफ़ी इंपॉर्टेंट स्टेप्स होते हैं, इनसे रिलेशन काफ़ी अच्छे होते हैं। और आप मैप में देखना, जॉर्जिया की लोकेशन भी काफ़ी इंटरेस्टिंग है, ईस्ट और वेस्ट यूरोप के बिल्कुल बाउंड्री पे कंट्री लाया करती, तो उस मामले में भी अच्छा है, बाकी फैक्चुअल पार्ट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आगे चलते हैं, इंडस्ट्रियलिस्ट एन एस श्रीनिवास मूर्ति हैज बीन अपॉइंटेड एज ऑनररी काउंसिल जनरल ऑफ विच कंट्री इन कर्नाटका? आंसर देख लो, वियतनाम। ठीक है, ये वियतनाम ने इंडिया में पहले कौंसुल जनरल अपॉइंट करे, ठीक है, जो स्टेट लेवल पे कर्नाटका का इनको बनाया गया है, तो वियतनाम के इंडिया में ये पहले काउंसिल जनरल है स्टेट कर्नाटका, और नाम पता होना चाहिए आपको, एन एस श्रीनिवास मूर्ति। तो इनका नाम, वियतनाम और कर्नाटका, ये फैक्ट्स दे आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ध्यान रखना, फोटो आप देख सकते हैं, ठीक है, जो सेरेमनी थी उसके फोटो। हु हैज बीन अपॉइंटेड एज यूएस एम्बेसडर टू इंडिया? तो जो बाइडन ने अपॉइंट किया है एरिक गासेटी को, एरिक गासेटी आप यहां पर देख सकते हैं। एक अपॉइंटमेंट और ध्यान रखिएगा, अतुल केशव, ठीक है, ये चार्ज डे अफेयर ये नाम है उस पोस्ट का जिसके लिए अपॉइंट कर गए, बेसिकली ये अमेरिकन डिप्लोमैट, ठीक है, इनको इंडिया में अपॉइंट करा गया है, चार्ज डे अफेयर ये पोस्ट का नाम है। ये वैसे पहले भी इंडियन एम्बेसी में काम कर चुके हैं यूएस की तरफ से, तो दोबारा इनका अपॉइंटमेंट करा गया है, पर मेन एम्बेसडर कौन रहेंगे? एरिक गासेटी, ठीक है। चलिए, सिरिशा बंदला किस फील्ड से जुड़ी है? एंड द आंसर इज एरोनॉटिक्स, एरोनॉटिकल इंजीनियर है ये, देख लीजिए आप, एरोनॉटिकल इंजीनियर बोल लीजिए, एस्ट्रोनॉट बोल लीजिए, एक्चुअली एक कंपनी है वर्जिन गैलेक्टिक, एरोस्पेस फील्ड की कंपनी है, इसके मालिक है रिचर्ड ब्रैंसन, ठीक है। तो इस कंपनी ने, और ये उसके मालिक है फाउंडर रिचर्ड ब्रैंसन, एक टीम थी, रिचर्ड ब्रैंसन और सिरिशा बैंडला और बहुत सारे और क्रू गया था साथ में, ये स्पेस की सैर में गए थे। जैसे आपको पता होगा जेफ बेजोस जो अमेजोन वाले हैं, वो भी ये उनसे पहले चले गए थे, लगभग एक हफ्ता पहले से कुछ था, तो वो भी गए थे, ये भी गए थे, इन लोग के अलग ही शौक है कुछ, ठीक है, अच्छी बात है। तो जो यूएसए का न्यू मैक्सिको एरिया, वहां से ये स्पेस फ्लाइट चली थी और स्पेस के एज तक ये लोग गए थे और फिर वापस आ गए, तो एक तरह से स्पेस की बिल्कुल ट्रैवल करके आए हैं। कंपनी का नाम वर्जिन गैलेक्टिक, ओनर का नाम रिचर्ड ब्रैंसन, और उसमें इंडियन ओरिजिन की सिरिशा बंदला भी थी, और इससे सिरिशा जी जो है उनका फोटो आपने को मैंने दिखा दिया था, ये थर्ड इंडियन ओरिजिन की लेडी है जो स्पेस में जा चुकी है, बाकी नाम आप जानते हैं, कल्पना चावला और सुनीता विलियम्स, तीसरा नाम इनका हो जाएगा, ठीक है। तो आई थिंक ऑल दी फैक्ट्स आर क्लियर टू यू, क्लियर है। चलिए आगे चलते हैं, विंबलडन 2021 की बात कर लेते हैं, वेरी इंपॉर्टेंट टूर्नामेंट, मैन सिंगल कैटेगरी में कौन जीता था? एंड द आंसर इज नोवाक जोकोविच, फोटो आप देख सकते हैं, ठीक है, क्लियर है बात। और हाँ, ये मैन कैटेगरी वुमेन में एश बार्टी, हाँ यही नाम था शायद, एश बार्टी,
ये वेमेन वाली कैटेगरी में जीती थी और मेल वाली कैटेगरी में, मैन वाली कैटेगरी में नोवाक जोकोविच, दोनों नाम पता होना चाहिए आपको। ठीक, चलिए, केसरिया बुद्धा स्तूपा कौन से स्टेट में है? आंसर बिहार है। जो ईस्ट चंपारण डिस्ट्रिक्ट है वहां पे है ये, और अभी जो गंडक के कैचमेंट एरिया में ज्यादा बारिश की वजह से जो बाढ़ आई थी, फ्लडिंग हुई थी, उसमें इसके भी कुछ एरियाज डूबे थे, तो इसलिए न्यूज में आया था। केसरिया बुद्ध स्तूपा, ईस्ट चंपारण डिस्ट्रिक्ट, बिहार, फोटो आप देख सकते हैं। ठीक है, चलिए, अभी अहमद हैज बीन री इलेक्टेड एज द प्राइम मिनिस्टर ऑफ, अभी मैंने आपसे बात करी थी, वो टिग्रे रिबल्स वाली टिग्रे एरिया की बात करी थी, तो वहां पे प्राइम मिनिस्टर कौन है इथियोपिया के? एबी अहमद, तब मैंने बात करी थी, तो मैंने बोला था क्वेश्चन एक और आएगा, इनका दोबारा मतलब इलेक्शन हुए तो दोबारा जीत गए हैं, री इलेक्टेड एज द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इथियोपिया, फोटो देख सकते हैं। 2019 में इनको नोबेल पीस प्राइज भी मिला था। विच कंट्री हैज वन द कोपा अमेरिका 2021? एंड द आंसर इज अर्जेंटीना ने जीता है। ठीक है, कोपा अमेरिका, ये बहुत इंपॉर्टेंट टूर्नामेंट होता है, इसमें शायद सिर्फ साउथ अमेरिकन, मतलब मुझे एग्जैक्ट इसका एक्सटेंट नहीं पता कि पूरा अमेरिका होता है साउथ अमेरिका, ज्यादातर मैंने साउथ अमेरिकन कंट्रीज का इसमें नाम सुना है, बट द विनर दिस टाइम वॉज अर्जेंटीना। ठीक, हु हैज बीन अपॉइंटेड एज प्राइम मिनिस्टर ऑफ नेपाल बाय द सुप्रीम कोर्ट ऑफ नेपाल? वहां पे काफी पॉलिटिकल टर्मोइल चल रहा है नेपाल में। एक्चुअली क्या हुआ था, जो पहले प्राइम मिनिस्टर थे केपी शर्मा ओली जी, उन्होंने जो हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव, जैसे अपना लोकसभा होता है ना, उसको डिसॉल्व करने का ऑर्डर दे दिया। ठीक है, एज पर दैट ऑर्डर जो वहां की प्रेसिडेंट है विद्या देवी भंडारी जी, उन्होंने डिसॉल्व कर दिया हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव। ठीक है, सुप्रीम कोर्ट ने इंटरवीन किया कि भाई ये नहीं चलेगा, उन्होंने हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव को दोबारा सेटअप, मतलब उसका डिसोल्यूशन को कैंसिल किया और रीइंस्टेट किया, और ये भी बोला प्रेसिडेंट से कि आप शेर बहादुर देवबा जी को प्राइम मिनिस्टर बनाइए। तो करेंटली द प्राइम मिनिस्टर ऑफ नेपाल है शेर बहादुर देवबा, ठीक है, जो कि नेपाली कांग्रेस से बिलोंग करते हैं, पर ये काफी डायनेमिक डेवलपमेंट है, तो आपको इसमें टच रहना पड़ेगा कि कब क्या चेंज और आ जाए, तो फिलहाल का स्टेटस मैंने बता दिया आपको, आगे खबर पर नजर रखेंगे। चलिए, फोटो आप देख सकते हैं शेर बहादुर देवबा जी का। जनरल ऑस्टिन स्कॉट मिलर किस कंट्री के मिलिट्री फोर्स के कमांडर थे? एंड द आंसर इज यूएसए। यही अफगानिस्तान के मेन चार्ज में थे, पर जब ये बात फाइनल हो गई कि अमेरिकन फोर्सेस वापस आएंगी, तो फिर ही, मतलब ये जून की खबर है, तो ये फिर वापस आ गए। ही हैंडेड ओवर द चार्ज टू अनदर कमांडर ऑफ द यूएस आर्मी, पर ही वॉज द मेन पर्सन देयर। जब वापस आ रही थी फोर्सेस, तो इन्होंने फिर अपना चार्ज गिव अप करके दूसरे एक यूएस कमांडर को दे दिया था, ये वापस आ गए थे, बट जब अमेरिकन फोर्सेस टूवर्ड्स ये पिछले कुछ सालों में थी, ही वॉज द मेन पर्सन इन चार्ज देयर। ठीक है, क्लियर है, आगे चलते हैं। जैसे हमने कोपा अमेरिका की बात करी, वैसे एक और बहुत फेमस फुटबॉल टूर्नामेंट होता है, यूरो 2020 का विनर बताना है, हुआ इस साल, क्योंकि भाई पिछले साल तो कोविड के वजह से नहीं हो पाया, पर ईयर 2020 लगेगा यहाँ पे। ठीक है, तो ईयर ध्यान रखना, 2021 में गेम्स खेले गए, पर ईयर 2020 लगेगा यहाँ पे। तो यूरो 2020 के आपको विनर का नाम बताना है, और इटली जीती थी इंग्लैंड को हरा कर। ठीक है, सो इटली इज द विनर। गीरा साराभाई किस इंस्टीट्यूट से जुड़ी हुई है? आंसर इज NID अहमदाबाद, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ डिजाइन अहमदाबाद, अभी भी वन ऑफ द लीडिंग डिजाइन कॉलेजेस ऑफ इंडिया, और ग्लोबली भी इसका बहुत नाम है। तो जितना भी हमारे यहाँ डिजाइन एजुकेशन और करिकुलम है, उसकी पायनियर थी गीरा जी, अपने भाई गौतम साराभाई जी के साथ मिलकर उन्होंने NID को एस्टैब्लिश किया था, पर अभी हमारे बीच में नहीं रही, शी इज नो मोर विद अस, पर डिजाइन एजुकेशन में इनका बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्ट्रीब्यूशन रहा है, और शी वॉज वन ऑफ द पायनियर या फिर फाउंडर्स ऑफ NID अहमदाबाद, बहुत अच्छा कॉलेज है और अमंग्स द टॉप डिजाइन कॉलेज ऑफ द कंट्री, फोटो आप देख सकते हैं। चलिए, सेडिशन से कौन सा सेक्शन जुड़ा है IPC में? इंडियन पिनल कोड का कौन सा सेक्शन सेडिशन की बात करता है? एंड द आंसर इज सेक्शन 124A। NV रमन्ना जी जो है चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, उन्होंने बोला है कि क्योंकि सेडिशन लॉ पे काफी डिस्कशन होते रहते हैं कि भाई राइट टू एक्सप्रेशन और सेडिशन को बैलेंस कैसे करें, क्या अभी भी एक आजाद देश में सेडिशन की जगह है, क्या उस लॉ को रहना चाहिए। इस डिस्कशन और इस केसेस पे रमन्ना जी ने भी ये बोला है कि अब समय काफी आगे बढ़ चुका है, मतलब वी काफी आगे हम जा चुके हैं, अब शायद ये उतना रिलेवेंट ना हो चीजें, और उन्होंने ये भी बोला है कि इसे कई बार मिसयूज भी करा जा रहा है गवर्नमेंट के द्वारा। तो बेसिकली एक डिसकरेजिंग यहाँ पे कमेंट दिया गया था कि अब इन, मतलब थोड़ा मिसयूज करा जा रहा है इन लॉ से, एग्जैक्ट स्टेटमेंट आप आर्टिकल में पढ़िएगा, मिसयूज करा जा रहा है, और मतलब दुनिया वक्त आगे जा चुका है, तो वी शुड मूव अहेड ऑफ दी सेडिशन लॉज,
अब गवर्नमेंट उसमें क्या एक्शन लेती है देखते हैं, बट फिलहाल ये कमेंट दिया गया था। पर हमें मतलब रहेगा इसके फैक्चुअल वाले पार्ट से जो पॉलिटी में आएगा। सेक्शन 124 है रिलेटेड टू सेडिशन इन द आईपीसी। ठीक, चलिए आगे चलते हैं। विच कंट्री हैज पास्ड लेजिस्लेशन टू बैन प्रोडक्ट्स इंपोर्टेड फ्रॉम चाइना जिनजियांग रीजन ओवर ह्यूमन राइट्स अब्यूजेस अगेंस्ट द मुस्लिम वीगर कम्युनिटी। आप जानते हैं जिनजियांग जो रीजन है वो इसीलिए थोड़ा बदनाम है कि यहाँ पे जो मुस्लिम वीगर जो एक माइनॉरिटी कम्युनिटी रहती है उनके साथ काफ़ी ह्यूमन राइट अब्यूज करे जाते हैं। चाइना बार बार बोलते हैं कि नहीं ऐसा कुछ नहीं है, पर अक्रॉस द ग्लोब कई कंट्रीज इस बात को अपोज करती हैं, उसके लिए स्टेप्स लेती हैं। ये स्टेप लिया है यूएसए ने, तो वहाँ के सेनेट ने ये लेजिस्लेशन पास किया है। ठीक है, अब इन्होंने पास किया, अब वो भी रिएक्ट करेंगे चाइना वाले, तो ये चलता रहता है पूरी कहानी। ठीक है, बट इस पूरी कहानी में इंसानों के साथ क्या इंसाफ हो पाए वो पता नहीं, पर ये वही ग्लोबल वॉर्स या टसल चलती रहती है। खैर, ये अपडेट आपके लिए। दानिश सिद्दीकी कौन थे? ही वॉज अ वेरी फेमस फोटो जर्नलिस्ट। फोटो देख सकते हैं आप इनकी, ये रॉयटर्स के लिए काम करते थे, रॉयटर्स न्यूज एजेंसी के लिए, और अफगानिस्तान में इनकी डेथ हुई जो अफगान फोर्सेज और तालिबान के बीच में लड़ाई चल रही थी उसमें, ये मतलब ही वॉज कवरिंग दैट थिंग। अ ब्रेव जर्नलिस्ट, बट अनफॉर्चुनेटली यहाँ पे उनकी डेथ हो गई। ठीक है, फास्टर, यहाँ पे पहले फुल फॉर्म में बता दूँ आपको, फास्ट एंड सिक्योर ट्रांसमिशन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड्स। इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड्स ये किसका इनिशिएटिव है, इस स्कीम को किसने रोल आउट किया? एंड द आंसर इज सुप्रीम कोर्ट ने। एक्चुअली जब भी कोई सुप्रीम कोर्ट ऑर्डर देती है तो वो ऑर्डर या कोई बेल हुई, उस बेल को किसी और कोर्ट या जेल तक पहुंचने में कई बार बहुत समय लग जाता है, तो वो डिसीजन या ऑर्डर या बेल इंप्लीमेंट नहीं हो पाती। ऐसे डिलेज को अवॉइड करने के लिए ये स्कीम रोल आउट करी है सुप्रीम कोर्ट ने, फास्टर स्कीम, फुल फॉर्म आपके सामने, फास्ट एंड सिक्योर ट्रांसमिशन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड। क्योंकि देखिए जो जेलर हैं वो कई बार ये बोलते हैं, और राइटफुली सो, कि भाई पहले ऑर्डर आ जाए ऑफिशियली तभी काम होगा। ठीक है, तो ये जो डिले बीच में होता है उसको अवॉइड करने के लिए ये काम करा गया। आगे चलते हैं। अकॉर्डिंग टू द न्यू रूल्स, विंटेज कार के ऊपर एक नया रूल आया है। अकॉर्डिंग टू द न्यू रूल्स, वॉट इज द टाइम इंटरवल आफ्टर द फर्स्ट रजिस्ट्रेशन आफ्टर विच अ व्हीकल विल बी कंसिडर्ड एज विंटेज। मतलब विंटेज व्हीकल कितनी पुरानी मानी जाएगी, वो कहने का मतलब है इसका। पहली बात तो नए रूल्स को गवर्नमेंट अप्रूव कर चुकी है। मोटर व्हीकल रूल जो 1989 के हैं उनको अमेंड करा गया है, और इसके हिसाब से फर्स्ट रजिस्ट्रेशन के बाद 50 ईयर्स पुरानी व्हीकल जिनमें कोई भी सब्सटेंशियल चेंज या मॉडिफिकेशन या आपकी मतलब नहीं करा गया, मतलब ऐसा नहीं कि आपने पूरा उसको चेंज ही कर दिया, जिसमें कोई मेजर ऑल्ट्रेशन नहीं करा गया है, पहले रजिस्ट्रेशन के 50 साल के बाद उसको विंटेज माना जाएगा, उसके नए रूल्स आ चुके हैं। ठीक है, बहुत सारे रूल्स हैं, जैसे उसमें एक रूल ये है कि आप उसको रेगुलर यूज में नहीं ला सकते। ठीक है, कोई स्पेसिफिक डेज में कोई रैली वगैरह तो ठीक है, पर ऐसे है कि उसका आप रेगुलर यूज कर रहे हैं, ऐसी बहुत सारी चीजें और भी हैं। क्लियर है बात? चलिए, तो 50 साल में इंटरवल माना जाएगा। अगला सवाल, चाइना हैज टारगेटेड टू अचीव कार्बन न्यूट्रलिटी बाय विच ईयर। मतलब नेट कार्बन एमिशन नहीं होगा, ध्यान रखिएगा चाइना ने दो डेडलाइन दी है यहाँ पे। उनका एमिशन का जो पीक होगा वो 2030 तक वो लोग अचीव कर लेंगे, और कार्बन न्यूट्रलिटी वो लोग 2060 तक अचीव कर लेंगे, तो इसका आंसर 2060 हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। एक नया ड्राफ्ट आया, ड्राफ्ट बिल। एज पर द ड्राफ्ट, अब उस बिल का नाम देख लीजिए, ट्रैफिकिंग इन पर्संस बिल, ट्रैफिकिंग को रोकने के लिए ये जो बिल आया है, उसमें जो ह्यूमन ट्रैफिकिंग वाले केसेस होते हैं उनको इन्वेस्टिगेट और कोऑर्डिनेट करने के लिए नोडल एजेंसी या बॉडी कौन सी होगी एज पर दिस बिल? एंड द आंसर इज नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी। ठीक है, एनआईए जो होता है, ठीक है, नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी, ये होगी नोडल बॉडी जो ह्यूमन ट्रैफिकिंग वाले केस को लीड करेगी, इन्वेस्टिगेट करेगी। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। अफगानिस्तान से रिलेटेड एक खबर है। विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज हैव एस्टैब्लिश्ड द क्वाड्रिलेटरल डिप्लोमेटिक प्लेटफॉर्म, चार लोग का प्लेटफॉर्म, चार कंट्रीज का प्लेटफॉर्म, फोकस्ड ऑन एनहैंसिंग रीजनल कनेक्टिविटी एंड अफगान स्टेबिलिटी। पहले समझ लीजिए कि चार कंट्रीज कौन सी है। सी ऑप्शन इज द आंसर। कौन कौन है इसमें? यूएसए, अफगानिस्तान, पाकिस्तान और उज्बेकिस्तान। ठीक है, ये चारों कंट्रीज ने एक प्लेटफॉर्म बनाया है टू इनहैंस रीजनल कनेक्टिविटी,
और रीजनल कनेक्टिविटी अफगानिस्तान में स्टेबिलिटी के बिना वहां पे आ ही नहीं सकती, इसलिए इन दोनों फैक्टर्स को ये ग्रुप मॉनिटर करेगा और प्रोग्रेस में देखी जाएगी। क्लियर है बात? ड्रीमर्स प्रोग्राम किस कंट्री से जुड़ा हुआ टर्म है? एंड द आंसर इज यूएसए। एक ना स्कीम होती है, ये 2012 में बराक ओबामा ने स्टार्ट करी थी, क्लियर, डिफर्ड एक्शन फॉर चाइल्डहुड अराइवल्स। डेफर्ड, डेफर्ड मतलब डिले करना, डेफर्ड एक्शन फॉर चाइल्डहुड अराइवल्स। बेसिकली क्या था, सुनिएगा ध्यान से, ऐसे इमिग्रेंट्स जो चिल्ड्रन थे जब वो यूएसए आए थे, तो बेसिकली वो लोग तो एक है, उन्हें ड्रीमर्स कहते हैं, ठीक है, उन्हें ड्रीमर्स कहते हैं, मतलब ऐसे इमिग्रेंट्स जो चिल्ड्रन थे जब वो यूएसए में आए थे, तो वो लोग ये बोलते हैं कि भाई हमने तो बचपन से एक ही देश देखा है, यूएसए, ठीक है। ऐसे लोगों को रजिस्टर करवाने के लिए ये डाका स्कीम शुरू करी गई थी, डिफर्ड एक्शन फॉर चाइल्डहुड अराइवल्स। बेसिकली ऐसे बच्चों के भी तो राइट्स होते हैं ना, आप पेपर वर्क उनको फंसा दोगे नहीं, इनको भी तो रिकॉग्निशन मिलना चाहिए, ठीक है। तो उनके रजिस्ट्रेशन से रिलेटेड ये स्कीम होती है कि भाई इनको बाहर ना निकाला जाए, उनको रजिस्टर करा जाए। पर प्रॉब्लम यहां पे ये है, एक फेडरल कोर्ट जो यूएसए में है उसके जज ने बोला है कि भाई वो, उन्होंने इस स्कीम के अगेंस्ट बोला है, ठीक है, और उन्होंने बोला है कि इसमें अभी रजिस्ट्रेशन को बंद करिए। लगभग 7 लाख रजिस्ट्रेशन, मतलब 7 लाख ड्रीमर्स है, मतलब टोटल काउंट की बात करी जाए 7 लाख के आसपास काउंट है, तो नए रजिस्ट्रेशन अभी बंद करवाने की बात करी गई है। जो बाइडन ने बोला है कि मतलब ही इज वेरी अपसेट विद दिस जजमेंट ऑफ द कोर्ट, अब काउंटर में वो क्या करते हैं पता चले, बट फिलहाल इस स्कीम को एक धक्का सा लगा है, कोर्ट ने इसको इसके अगेंस्ट बोला है। अब आगे क्या होगा देखते हैं, बट आई थिंक आप बेसिक समझ गए होंगे, इसमें यूएसए की बात चल रही है। पेगासस, ये तो न्यूज में बहुत रहा है, जो बोलते हैं ना कि जो फोन टैप करेगा, जो पूरा अभी हंगामा पार्लियामेंट वगैरह में चला है, तो पेगासस एक स्पाईवेयर है जिसको डेवलप और लाइसेंस किया है कंपनी है एनएसओ, जो कहां की है, आंसर इसराइल है। इसराइल की एनएसओ कंपनी ने पेगासस को बनाया है, ठीक है, तो जिस पे पूरा, अब पूरी कहानी क्या आप जानते हैं, ठीक है, तो पर कंट्री का नाम जहां पे बनता है वो इसराइल। पार्ट 9B इज एसोसिएटेड विद टर्म्स फॉर रनिंग कोऑपरेटिव सोसाइटीज, ठीक है। तो ये कोऑपरेटिव सोसाइटी के लिए जो पार्ट 9B बना है, उसे कौन से कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट से लाया गया था या इंट्रोड्यूस करा गया था? एंड द आंसर इज 97। ये आप नंबर ध्यान रखिएगा। एक और नया कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट गवर्नमेंट लाई थी, जिसमें कि आप जानते हैं कि कोऑपरेटिव स्टेट के अंदर आते हैं, ठीक है, तो उसमें ये थोड़ा, मतलब जो स्टेट की एब्सोल्यूट अथॉरिटी होती है कोऑपरेटिव में, थोड़ा हैम्पर करा जा रहा था। इस कारण से सुप्रीम कोर्ट ने उस अमेंडमेंट उन सब क्लॉजेस को पुट डाउन करा है जिसमें भी स्टेट की पावर्स कम करी जा रही है। उन्होंने कहा नहीं, स्टेट की पावर कोऑपरेटिव, वो स्टेट लिस्ट में आता है सब्जेक्ट, तो स्टेट्स की पावर कम नहीं कर सकते। तो जो भी उस अमेंडमेंट में क्लॉज ऐसे थे जिसमें ये पावर हैम्पर करी जा रही है स्टेट की, उनको पुट डाउन करा है सुप्रीम कोर्ट ने, ठीक है, उनको नलीफाई करा है। क्लियर है बात? हाँ, मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव मैं आपको बता चुका हूं, वो यूनियन लिस्ट में आते हैं, पर ये पूरा जो कोऑपरेटिव का पार्ट 9B बना था वो 97 वाले से आया था, ये नंबर आपको पता होना चाहिए। आगे चलते हैं, एक नया इनिशिएटिव बना है, साउथ एशियन इनिशिएटिव फॉर COVID-19 वैक्सीन एंड पॉवर्टी एलिविएशन, पॉवर्टी हटाने के लिए, इसे कौन लीड कर रहा है? एंड द आंसर इज चाइना। इसमें 6 मेंबर आते हैं, एक तो चाइना आता है, बाकी साउथ एशिया से कौन कौन आता है, अफगानिस्तान, पाकिस्तान, नेपाल, बांग्लादेश और श्रीलंका, ठीक है। इसमें कौन नहीं आता, इंडिया, भूटान, ये लोग नहीं आते, और मालदीव्स। तो मतलब वैसे बांग्लादेश के जो मिनिस्टर हैं, फॉरेन मिनिस्टर शायद, उन्होंने बोला है कि इंडिया भी पार्टिसिपेंट बन सकता है इसमें, बट मतलब पॉलिटिक्स टाइप की चीज़ है, मतलब साउथ एशिया में बिगेस्ट पावर इंडिया है, तो चाइना साउथ एशिया के लिए कुछ काम करना चाह रहा है, उसमें इंडिया को रखता नहीं, दो कंट्री को और हटा देता है। तो ये जो सेलेक्टिव पॉलिसी है ना चाइना की, जो पॉलिटिक्स करता रहता है, गलत बात है, पर हमें जानकारी नहीं थी क्या चल रहा है इसमें, तो भाई चीज़ तो गलत है यार, साउथ एशिया का आप कुछ अच्छा करना चाह रहे हो और उसमें इन कंट्रीज को रखते नहीं, इंडिया को भी अवॉइड कर रहे हो, तो ये तो पॉलिटिक्स है क्लियरली। मतलब अगर सही इंटेंशन होता तो सबको लेकर चलते हैं आप साथ में, खैर, पर हमें तो उसको फैक्चुअली देखना है क्या फैक्ट है। तो 6 कंट्री है, ये 3 नहीं है, तीनों की बात, ये चाइना का इनिशिएटिव। पेड्रो कैस्टिलो हैज बीन डिक्लेयर्ड एज द नेक्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ
पेरू, पेरू एक साउथ अमेरिकन कंट्री है, उसके नए प्रेसिडेंट हैं पेड्रो कैस्टिलो, फोटो आप देख सकते हैं, ठीक है। चलिए, पैवेल डुओरो किस चीज के फाउंडर है, जो आप टेलीग्राम ऐप यूज करते हैं ना उसके, ठीक है। इससे याद आया, हमारे चैनल का भी टेलीग्राम ग्रुप है t.me/concept_tree, ज्वाइन कर लीजिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, वीडियो लिंक सब कुछ मैं वहां पे पोस्ट करता हूं। खैर, पैवेल डुओरो फाउंडर है, फोटो आप देख सकते हैं। आगे चलते हैं, विच स्टेट इज प्लानिंग टू पास द कैटल प्रोटेक्शन बिल 2021, पर्पस क्या है, टू रिस्ट्रिक्ट द ट्रांसपोर्ट ऑफ बोवाइन क्रिएचर्स विद इन एंड थ्रू आउट द स्टेट। तो जो भी काउ का ट्रांसपोर्ट वगैरह यहां पर यहां बिल्कुल मतलब रिस्ट्रिक्ट हो जाएगा, ये बिल असम पास करने की बात कर रहा है, ठीक है। ये प्लानिंग असम कर रहा है और इसमें अपोजिशन भी हो रहा है, कौन अपोज कर रहा है, एक्चुअली कुछ आसपास के स्टेट्स जैसे मेघालय हो गया, ठीक है, मिजोरम हो गया, नागालैंड हो गया, वहां पे भी उनकी डाइट का पार्ट है तो वो अपोज कर रहे हैं, ठीक है, पर असम ने ये बिल पास कर दिया, तो ये पूरा चल रहा है कहानी यहां पर। आगे चलते हैं, कौन सी इंग्लिश सिटी को यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट से हटा दिया गया है, एंड द आंसर इज लिवरपूल। यहां पे जो विक्टोरिया डॉक्स, विक्टोरियन डॉक्स होते हैं, बड़े सुंदर से दिखने में लगते हैं, पूरा क्लासिकल इनका आर्किटेक्चर होता है, उसके सामने काफी नई बिल्डिंग्स बना दी गई है, ठीक है, एक नया स्टेडियम बना दिया गया है, तो वो जो विक्टोरियन डॉक्स होते हैं उनका लुक काफी खराब हो गया है, तो उस कारण से ये डिसीजन लिया गया है। चाइना में मीटिंग चल रही है यूनेस्को की उस टीम की, तो लिवरपूल को हटा दिया गया, पहले था अब हटा दिया गया, ठीक है। वैसे एक ऐसी साइट जिसको यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट में इंक्लूड करा हो और फिर हटा दिया हो, ऐसा बहुत कम होता है, पता है पहले कब हुआ है, 2007 में ओमान में एक वाइल्ड लाइफ सेंचुरी उसको हटाया गया था, क्योंकि वहां पे पोचिंग काफी बढ़ गई थी और वो एरिया उतना प्रोटेक्ट नहीं रह पाया था, और एक और था वो आपको अगले क्वेश्चन में मिलेगा, ठीक है। 2009 में इस वैली को भी हटा दिया गया था, ड्रेसडन एल्बे वैली, इसको भी हेरिटेज साइट की लिस्ट से हटाया गया था 2009 में, आपको बताना है कहां पर है, एंड द आंसर इज जर्मनी, ठीक है। क्यों हटाया गया था, क्योंकि यहां पे रिवर के ऊपर एक मोटर रोड बना दी गई, ठीक है, जो कि मतलब इट हैम्पर्ड द एनवायरमेंट ओवर देयर, तो इसलिए इसको भी लिस्ट से हटा दिया गया था। क्लियर बात, इस लिस्ट में कुछ इंडियन प्लेसेस को इंक्लूड भी करा गया है, आपके दिमाग में आ रही होंगी, क्वेश्चन बनाया उसके ऊपर। आगे देखते हैं, टोक्यो ओलंपिक्स 2020 जो जापान में हुए थे, उनका ऑफिशियल मैस्कॉट कौन था, एंड द आंसर इज मिराइटोवा, फोटो आप देख सकते हैं, मिराइटोवा ये थे मैस्कॉट, ठीक है। चलिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है वैसे, पता होना चाहिए आपको, यूनियन कैबिनेट हैज अप्रूव्ड रेजिंग द फॉरेन इन्वेस्टमेंट लिमिट इन प्राइवेटाइजेशन बाउंड पीएसयू रिफाइनरीज टू, ध्यान दीजिएगा बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, ऐसी रिफाइनरीज विच आर प्रमोटेड बाय पीएसयूज, ठीक है, उनमें जो फॉरेन इन्वेस्टमेंट की लिमिट होती है वो 49% होती है, पर जैसे अब बीपीसीएल को बेचने की बात चल रही है, अब 49% लिमिट में चक्कर क्या हो जाएगा कि कोई फॉरेन इन्वेस्टर थोड़े डिस्करेज होंगे, क्योंकि उनको सिर्फ 49% अपर लिमिट मिल जाएगी, इसीलिए बीपीसीएल की सेल को इनकरेज करने के लिए कि भाई अच्छे बायर मिल पाए, इसीलिए गवर्नमेंट ने, कैबिनेट ने ये रूल में थोड़ा चेंज किया है कि ऐसी पीएसयू रिफाइनरीज जो प्राइवेटाइज होने वाली है उसमें ये लिमिट 100% कर दी गई, तो अब बीपीसीएल की सेल में बेचने में आसानी हो जाएगी, ठीक है। पर हाँ, अगर बेचने की बातें नहीं चल रही हैं, प्राइवेटाइजेशन की बातें नहीं चल रही हैं, तो पीएसयू रिफाइनरीज में ऑटोमेटिक रूट से सिर्फ 49% फॉरेन इन्वेस्टमेंट आ सकता है। आई थिंक बात समझ में आ गई, इसलिए क्वेश्चन के सिर्फ आंसर मत देखो, सिर्फ ये मत देखो कि इसका आंसर 100% है, बैकग्राउंड स्टोरी और थ्योरी थोड़ी पता होनी चाहिए आपको। आगे चलते हैं, बस खत्म ही होने वाला है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। एक जेपीसी थी, ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमिटी, किसके ऊपर, फॉर एग्जामिनिंग द पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन बिल, इसका चेयरपर्सन किसको अपॉइंट करा गया, ध्यान दीजिएगा, इसका आंसर है बीजेपी के एक एमपी है, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, मिस्टर पीपी चौधरी, इनको करा गया है, फोटो आप देख लीजिए। पहले इस जेपीसी की जो चेयरपर्सन थी वो थी मीनाक्षी लेखी जी, पर अब उनको मिनिस्टर बना दिया गया है, जो अभी कैबिनेट रीशफल हुआ उसमें, तो इसलिए अब जो नए जेपीसी के चेयरपर्सन है उनको वो कौन है, पीपी चौधरी, ठीक है। आगे चलते हैं, ट्रॉपिकल साइक्लोन्स काफी आए थे कुछ बीते सालों में, काफी नुकसान भी करा, काफी मतलब काफी लोग मरे, नुकसान प्रॉपर्टीज का भी हुआ, सरकार ने भी अपनी पूरी मेहनत करी, डिजास्टर मैनेजमेंट फोर्सेस जो भी हमारी हैं, पर काफी नुकसान कुछ यहाँ पे साइक्लोन्स करके गए, उनके कुछ कॉमन नाम यहाँ पे हैं,
आपको बताना है कौन सा इनकरेक्टली मैच है, सिर्फ ये वाला इनकरेक्टली मैच है, इसको मैं हटा देता हूँ। ये मई 2021 में आया था, बाकी पूरा करेक्टली मैच यहाँ पे आप देख सकते हैं, क्लियर है। तो फानी आया था मई 2019 में, बुलबुल साइक्लोन आया था नवंबर 2019 में, अम्फान मई 2020 और यास अभी रिसेंटली मई 2021 में, क्लियर है बात। सरकारें काफ़ी इवॉल्व हो चुकी, सिस्टम्स काफ़ी डेवलप हो चुके हैं कि इनसे ठीक से डिजास्टर कम करा जा सके, फिर भी नुकसान तो खैर होता ही है। ऑर्डर ध्यान रखना फ्रेंड्स, क्रोनोलॉजी भी पूछ सकते हैं और टाइम भी पूछ सकते हैं, तो थोड़ा पॉज करके एक बार रिवाइज कर लेना ठीक से, ठीक है। वैसे डी ऑप्शन इसका आंसर हो जाएगा। यूनाइटेड नेशंस क्लाइमेट चेंज की कॉन्फ्रेंस जो होने वाली है, जिसको 26 कॉन्फ्रेंस है, COP 26, कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज बोलते हैं इसको 26, वो कहाँ होने वाली है? एंड द आंसर इज ग्लासगो, स्कॉटलैंड में है ग्लास। तो COP 26 होने वाली है ग्लासगो में, उससे पहले भी काफ़ी क्लाइमेट मीट्स होती रहती हैं ताकि एक कंसेंसस बिल्ड करा सके बिफोर द मेन मीटिंग, पर ये होगी ग्लासगो में, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। दस सवाल और, अगला सवाल देखिएगा, जो हमारे फुली इंपोर्टेड कार्स होती हैं उसमें इंपोर्ट ड्यूटी कितनी लगती है? अब इसमें दो कैटेगरी बनती है, मैं किसके लिए पूछ रहा हूं वो देख लीजिए, कॉस्ट इंश्योरेंस और फ्रेट, जहां पे टोटल CIF वैल्यू $40,000 से ज्यादा है उसका सवाल मैं पूछ रहा हूं, एंड द आंसर इज 100%। तो इंडिया में इंपोर्ट ड्यूटी आउट ऑफ द बिग कंट्रीज वन ऑफ द हाइएस्ट है, तो टोटल कार का CIF तीनों मिला के अगर $40,000 के ऊपर है तो इंपोर्ट ड्यूटी 100% लगती है, अगर नीचे है तो 60% लगती है, 60%। एक्चुअली टेस्ला के जो मालिक है, फाउंडर है एलॉन मस्क, उन्होंने बोला है कि वो इंडिया में भी इलेक्ट्रिक व्हीकल का प्लांट लगा सकते हैं, पर पहले वो इंपोर्टेड व्हीकल का रिस्पांस देखना चाहते हैं, और उसी के अंतर्गत उन्होंने बात उठाई कि इंडिया में इंपोर्ट ड्यूटी काफ़ी ज़्यादा होती है, थोड़ी कम होनी चाहिए, पर आपको पता नहीं चाहिए कितनी, हम भी जानते हैं इंपोर्ट ड्यूटी बहुत होती है, पर कितनी होती है आपको पता होना चाहिए, ठीक है। तो 40,000, ठीक है भाई, हम सब जनरल बातें करते रहते हैं, ज़्यादा होती है, पर हम, मुझे और आपको पता होना चाहिए कि कितनी होती है। $40,000 के ऊपर 100%, उसके नीचे 60%, और $40,000 को अगर हम अंदाजे से रुपीज़ में कन्वर्ट करते हैं तो 29 से 30 लाख के आसपास का रेंज बनता है, ठीक है। अब एग्जैक्टली तो ऊपर नीचे होता रहता है, क्लियर होगी बात। चलिए अब यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट में थोड़ी बात करी, अब जो हमारी इंडियन साइट्स को नया इंक्लूड करा गया है उसकी बात कर लेते हैं। तो 13th century रमन्ना टेम्पल, इट हैज बीन डिक्लेयर्ड एज अ यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट, ये कौन से स्टेट में है आपको बताना है, ठीक है। एंड द आंसर फॉर दिस वन इज तेलंगाना, ठीक है। पलमपेट एक जगह है, पलमपेट तेलंगाना में, वहां पे ये मंदिर है, फोटो आप देख सकते हैं मंदिर का, और कुछ फैक्ट्स देख लीजिए इस मंदिर के बारे में। इट वॉज बिल्ड बाय रचेरला सेनापति रुद्रैया, ठीक है, और वो जनरल थे किसके, काकटिया किंग गणपति देव। ये दो फैक्ट बस पता होने चाहिए आपको हिस्टोरिकली, बाकी जगह का नाम मैंने बता दिया आपको, ये रमन्ना रमप्पा टेम्पल और पलमपेट जगह है, स्टेट इज तेलंगाना, रमप्पा टेम्पल 13th century, ठीक है। तो हिस्टोरिकली करंट अफेयर्स एंड आर्ट एंड कल्चर सारे एंगल यहाँ मिलेंगे आपको, शुड बी क्लियर अबाउट दिस। आगे चलते हैं, वेरेंगते ये टाउन कहाँ पे है, एंड द आंसर इज मिजोरम, ये देख लीजिए बॉर्डर पे है बिल्कुल, वेरेंगते ऊपर असम नीचे मिजोरम। अभी आप जानते हैं ना असम मिजोरम के बीच में बॉर्डर इशू की वजह से क्लैश हुए थे, जिसमें असम पुलिस पर्सनल 6 मारे गए थे, अनफॉर्चुनेट इवेंट था। उसके बाद अभी वहाँ पे शांति हुई, पर वो एक इवेंट काफ़ी अनफॉर्चुनेट था, ये पूरा इशू यहीं पे हुआ था। तो ये मिजोरम का एक तरह से बॉर्डर एक एरिया है, वेरेंगते वहीं पे टाउन है, वहीं पे पूरा केस हुआ था असम मिजोरम के बीच में, ठीक। चलिए आगे चलते हैं, एक क्राइसिस चल रहा है एक देश में और उस देश का नाम आपको बताना है, ठीक है। तो स्ट्रीट क्लैशेस इरप्टेड एज प्रेसिडेंट कायस सैयद सैक्ड प्राइम मिनिस्टर हिचेम मेचिची एंड ऑर्डर्ड पार्लियामेंट क्लोज्ड फॉर 30 days, ये पूरी कहानी तुनिशिया में चल रही है, ठीक है। बहुत डिटेल आपको इंटरेस्ट तो पढ़ सकते हैं, बट इतने फैक्ट्स हमसे पता होने चाहिए आपको। तो प्रेसिडेंट कायस सैयद और उन्होंने प्राइम मिनिस्टर को भी सैक कर दिया और पार्लियामेंट को भी 30 days के लिए सस्पेंड या क्लोज करा गया है, तुनिशिया में सारा काम चल रहा है, ठीक है। कर्नाटका में नए चीफ मिनिस्टर कौन होगी, एंड द आंसर इज बसवराज बोम्मई। तो BS येदियुरप्पा जी जो है वो अब नहीं है, नहीं रहे चीफ मिनिस्टर, उन्होंने मतलब ही हैज गिवन अप दैट पोस्ट, वो पोस्ट से हट गए हैं, उनकी जगह पे आए हैं बसवराज बोम्मई, फोटो देख सकते हैं, ठीक। चलिए
Who has been appointed as police commissioner of Delhi? And the answer is Rakesh Asthana. ये पहले BSF के DG थे, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स के DG थे, और रिटायर होने वाले थे, उससे कुछ दिन पहले इनका अपॉइंटमेंट करा गया है. तो जो अपॉइंटमेंट कमिटी ऑफ कैबिनेट है उसने, विच इज हेडेड बाय प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी, सबसे पहले तो उनको इनका कैडर ट्रांसफर अप्रूव करना पड़ा फ्रॉम द गुजरात कैडर टू यूटी कैडर, जो अगमोट कैडर बोलते हैं, यूनियन टेरिटरी वाले जो कैडर होता है. एक तो कैडर ट्रांसफर अप्रूव करना पड़ा और फिर इनका सर्विस पीरियड एक साल और बढ़ाना पड़ा, मतलब अभी फिलहाल एक साल के लिए बढ़ाया गया है. ठीक है, वैसे ये थोड़ा यूनिक फिनोमेना है क्योंकि दिल्ली पुलिस कमिश्नर अक्सर अगमोट कैडर से ही होते हैं, बट ये वन ऑफ दोस रेयर इवेंट्स है जहां पे किसी और कैडर के पर्सन को कमिश्नर बनाया. राकेश अस्थाना, फोटो आप देख सकते हैं. एक और यहां पे जगह यूनेस्को लिस्ट में इंक्लूड करेगी, उसकी और बात कर लेते हैं. हरप्पन सिटी ऑफ धोलावीरा हैज बीन नेम्ड एज 40th इंडियन साइट, इंडिया की 40th साइट है जिसको यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट डिक्लेयर करा गया है. कौन से स्टेट में? आंसर है गुजरात. ठीक है, गुजरात. और थर्ड से मिड सेकेंड मिलेनियम BC की ये साइट थी और काफी अच्छी टाउन प्लानिंग थी यहाँ पे, मतलब यहाँ का जो यू नो वाटर मैनेजमेंट, टाउन मैनेजमेंट, टाउन प्लानिंग पूरी, जो बरियल सिस्टम्स वगैरह है बहुत सिस्टमैटिक था, तो एक्सकवेशन में काफी कुछ यहाँ पे मिला है. साइट गुजरात की. ठीक है, चलिए आगे चलते हैं. दो दो तीन सवाल और. विच स्टेट हैज द हाइएस्ट सीरो प्रिवलेंस अकॉर्डिंग टू फोर्थ नेशनल सीरोलॉजी सर्वे ऑफ ICMR? ठीक है, इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च. एक बार ध्यान रखना, सीरो प्रिवलेंस मतलब प्रेजेंस ऑफ एंटीबॉडीज अगेंस्ट द कोरोना वायरस. ठीक है, हाइएस्ट मिली मध्य प्रदेश में 79%, ये ध्यान रखिएगा. क्लियर होगी बात? तो हाइएस्ट यहां पे मिली है मध्य प्रदेश. आगे चलते हैं. नंदू नटेकर किस स्पोर्ट से जुड़े हैं? एंड द आंसर इज बैडमिंटन. 1950s के आसपास के, नाउ ही इज नो मोर विद अस, इसलिए ये खबर यहां पे है. 1950s के टाइम पे ये बहुत फेमस नाम थे और बैडमिंटन में पहला इंटरनेशनल टूर्नामेंट में जो विक्ट्री इंडिया को मिली वो इन्होंने दिलवाई थी. ये टूर्नामेंट 1956 में हुआ था क्वालालंपुर में, जिसमें नंदू नटेकर जी जीते थे. फील्ड थी इनकी बैडमिंटन, अभी हमारे बीच में नहीं रहे. लास्ट क्वेश्चन. ठीक है, तो ये बहुत बहुत फेमस स्पोर्ट्स पर्सन थे, आपको फील्ड पता होनी चाहिए बैडमिंटन. आगे चलते हैं. एज पर द कैबिनेट अप्रूव्ड, अब यहां पे कैबिनेट ने अप्रूव किया क्या, जो डिपॉजिट इंश्योरेंस लॉ होती है उसमें अमेंडमेंट, जो आपके डिपॉजिट वगैरह बैंक वगैरह में है. कई बार डाउट होता है ना कि बैंक में कुछ रिस्ट्रिक्शन लगे, RBI ने रिस्ट्रिक्ट किया, जो भी मोरेटोरियम्स लगे हैं, तो हमारे पैसे का क्या होगा? तो उस डिपॉजिट के इंश्योरेंस की जो क्रेडिट गारंटी होती है, उस लॉ में जो अमेंडमेंट कैबिनेट ने अप्रूव किया उस पर सवाल है. वॉट विल बी द टाइम लाइन? गारंटी कितने की है? 5 लाख रुपीज की, अप टू 5 लाख. मतलब अब 5 लाख से कम हुए तो आपको उतने ही मिलेंगे, पर अपर लिमिट इज 5 लाख रुपीज. ठीक है, आंसर देख लो पहले. 90 डेज, मतलब जिस पॉइंट पे RBI मोरेटोरियम या कुछ रिस्ट्रिक्शंस बैंक के ऑपरेशन पे इंपोज करता है, ठीक है, उसके 90 डेज तक आपको अप टू 5 लाख रुपीज एज पर द मनी जो आपके बैंक में होगा वो आपको मिलेगा. इस अमेंडमेंट को कैबिनेट ने अप्रूव किया. ठीक है फ्रेंड्स, तो ये थे जुलाई के सवाल. अगर कंटेंट पसंद आया आपको तो वीडियो लाइक कर दीजिएगा, कमेंट जरूर करिएगा जो भी फीडबैक्स हैं आपके, और चैनल सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, बेल आइकन दबा दीजिएगा, और कोशिश पूरी कीजिए कि सारे सवालों के आंसर सही हो. कुछ भी करेक्शन अगर होता है, मुझे समझ में आता है, तो मैं डिस्क्रिप्शन में ऐड कर दूंगा, वरना आप भी कमेंट्स में बता सकते हैं. ठीक है फ्रेंड्स, तो थैंक यू सो मच, अगले वीडियो में मुलाकात होगी आपसे. थैंक यू, हैव अ नाइस डे.